YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। वंशीधर नगर अंतर्गत जंगीपुर गांव के आदिवासियों की भूमि पर लगी धान की फसल को कथित स्थानीय जमींदार मोनी सिंह के परिवार वालों द्वारा ट्रैक्टर से जबरन जोतकर बर्बाद कर दी जाने के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्लॉक मोड़ के समीप भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए एक सभा की। सभा में पार्टी के केंद्रीय नेता सूर्यपत सिंह ने केंद्र व राज्य की सरकारों पर गरीबों की रहती व बंदोबस्त जमीन को लूटकर कारपोरेट घरानों को सौंप देने का आरोप लगाया। कहा, सरकार पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है और भाकपा गरीबों के हित के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के मनसूबे को भाकपा कतई पूरा नहीं होने देगी। सीएनटी एक्ट में दिए गए प्रावधानों का खुल्लम खुला यहां उल्लंघन किया जा रहा है। इस अवसर पर भाकपा की काफी संख्या में वरीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और फसल बर्बाद कर दिए जाने की घटना पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। झारखंड में भाजपा की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने के बाद यहाँ पर जो है झारखंड के अंदर में जमींदार घराने जो है पुनः जो है से आदिवासियों के हरिजनों के या गरीब जो है से किसानों का जो कब्जा की जमीन, उनकी रहती जमीन या उनके बंदोबस्त जमीन को छीन करके उनके हाथ से और पूंजीपतियों को देने के लिए, कारपोरेट को देने के लिए, व्यापारियों को देने के लिए, अपने दलालों को देने के लिए वह प्रयास कर रहे हैं और इसमें सरकार मदद कर रही है। इस मंसूबे को जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करते हुए कभी भी इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। आदिवासियों की जमीन आदिवासी का होगा, हरिजनों का जमीन हरिजन का होगा, छोटे किसानों का जमीन छोटे किसानों का होगा और बंदोबस्त जमीन जो बंदोबस्ती खत्म कर रहा है उस बंदोबस्ती को कायम रखने की लड़ाई लड़ेगा। यहाँ से लेकर घर से लेकर जमीन से लेकर रांची तक लड़ाई होगी, इसको कम्युनिस्ट पार्टी ले जाएगी। और अंत में जो गड़बड़ की करने वाले जो हैं, जमीन छीनने वाले हैं और गरीबों के खिलाफ में कदम उठाने वाले हैं,